दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और ये कदम वैश्विक हथियार बाजार में एक नई हलचल मचा सकता है और एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत जो कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर था, अब अपने हाई क्वालिटी हथियार बनाकर डिफेंस की दुनिया में हलचल मचा रहा है। और यहां केवल छोटे हथियारों की नहीं बल्कि हाईटेक अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स की बात हो रही है जो बड़े बड़े मिलिट्री दिग्गजों का ध्यान खींच रहे हैं। मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, और इसका एक ताजा उदाहरण अभी सामने आया है। यह खबर छोटी नहीं है बल्कि यह धमाकेदार है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत में स्थित फ्रेंच एम्बेसी से हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली। फ्रांसीसी रक्षा अधिकारियों ने ANI के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि फ्रेंच सरकार भारतीय बने हुए एक वेपन को खरीदने में दिलचस्पी ले रही है। जी हां, आपने सही सुना। फ्रांस जो खुद एक बड़ा डिफेंस पावर हाउस है ना, केवल एक भारतीय वेपन सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है, बल्कि उसकी जांच परख भी शुरू कर दी है। और यह कौन सा वेपन सिस्टम है जिसने फ्रांस को आकर्षित किया है? यह है पिनाका रॉकेट सिस्टम, एक ऐसा हथियार जो पूरी तरह से भारत में विकसित हुआ है। फ्रांस ने इसकी पूरी तरह से जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि यह देखा जा सके कि पिनाका उनके मिलिट्री के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और क्या यह उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अब जरा इसे एक नए नजरिए से देखिए। जैसे भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच की थी, ठीक वैसे ही फ्रांस भी पिनाका रॉकेट सिस्टम का कड़ा मूल्यांकन कर रहा है। अगर पिनाका इस जांच में खरा उतरता है तो इसके बाद फ्रांस का ऑर्डर प्लेस करने की पूरी संभावना है, और यह एक ऐतिहासिक पल होगा। पहले कभी भी किसी यूरोपियन देश ने किसी बड़े भारतीय रक्षा प्रणाली को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अभी तक भारत ने गोला बारूद और छोटे हथियारों का ही निर्यात किया था, लेकिन एक हाईटेक डिफेंस सिस्टम का पश्चिमी सेनाओं में जाना यह सुनने में अनोखा था। और इसका कारण भारतीय वेपन्स की क्वालिटी को लेकर लंबे समय से रहे संदेह थे, लेकिन अब यह बदल रहा है और फ्रांस की इस रुचि से दुनिया में भारतीय डिफेंस सिस्टम्स की एक नई पहचान बन रही है। दोस्तों, अब यह सौदा केवल फ्रांस द्वारा एक भारतीय वेपन सिस्टम खरीदने के बारे में नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी को मिलने वाले भारी समर्थन और विश्वास का प्रतीक बन गया है। सिर्फ यह खबर कि फ्रांस पिनाका को लेकर उत्साहित है, रक्षा विशेषज्ञों, मिलिट्री एनालिस्ट्स और रक्षा उत्साही लोगों के बीच एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है, खासकर सोशल मीडिया पर, जैसे कि ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है। हर जगह इस खबर की हलचल है, लोग इस खबर को शेयर कर रहे हैं, अपनी हैरानी और उत्साह जता रहे हैं कि एक यूरोपीय न्यूक्लियर पावर जो कि AU का एक अहम सदस्य है, भारतीय बने रॉकेट सिस्टम में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। ये खबर विभिन्न रक्षा न्यूज आउटलेट्स और स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रही है, और पिनाका को ग्लोबल डिफेंस के रडार पर एक खास स्थान दिला रही है। दोस्तों, अब सोचिए इसका भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए क्या मतलब है। जैसे ही फ्रांस पिनाका को खरीदने की ओर बढ़ता है, बाकी देशों का ध्यान भी इस पर जाएगा। अगर कोई छोटा देश भारतीय वेपन्स में दिलचस्पी लेता तो बात और होती, लेकिन जब फ्रांस जैसा एक सम्मानित डिफेंस दिग्गज ऐसा करता है तो यह बाकी दुनिया को भी एक खास संदेश देता है। ये कदम एक प्रकार की हाई लेवल एंडोर्समेंट है जो अन्य देशों को भी भारतीय वेपन्स पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसका प्रभाव इतना बड़ा हो सकता है कि यह सिर्फ एक सौदा नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक नई एंट्री होगी जिसमें इंडस्ट्री के एक बड़े प्लेयर की मुहर होगी। ऐसी तरक्की भारत को तेजी से विश्वसनीय और कीमती डिफेंस एक्सपोर्टर बना सकती है। दोस्तों, अगर हम इसे सही तरह से समझना चाहें तो चलिए कुछ दशक पीछे चलते हैं। उस समय यूरोपीय देश भारत को एक थर्ड वर्ल्ड देश के रूप में देखते थे जो उन्नत टेक्नोलॉजी को विकसित करने में सक्षम नहीं था। भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी को सस्ता लेकिन क्वालिटी में कम समझा जाता था, लेकिन आज वही यूरोपीय देश, खासकर फ्रांस, भारत के बड़े डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने की ओर देख रहे हैं। यह परिवर्तन भारत के डिफेंस क्षेत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। यह न केवल भारत की रक्षा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि ये एक राष्ट्रीय गर्व का भी पल है। हालांकि दोस्तों, अभी यह सौदा केवल जांच के चरण में है,
लेकिन अगर सब ठीक रहा और फ्रांस ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो यह भारत के लिए लंबे और लाभदायक रिश्ते की शुरुआत होगी। रणनीतिक दृष्टिकोण से इससे भारत को यूरोप में और विस्तार करने का मौका मिलेगा और अन्य पश्चिमी बाजारों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने का अवसर मिलेगा। और फ्रांस की एंडोर्समेंट के प्रभाव को भी कम मत समझिए, यह अन्य देशों के लिए एक प्रभावशाली सिफारिश का काम करेगा। भारतीय डिफेंस उत्पादों की साख को बढ़ाएगा और भारतीय वेपन्स के चारों ओर के पूर्वाग्रह को तोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यही सब नहीं है। इस सौदे का महत्व किसी भी तात्कालिक लाभ से कहीं अधिक है। जरा सोचिए कितने दूरगामी फायदे हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बात यहां तक आए कि पिनाका को कुछ कम मुनाफे पर बेचना पड़े तो भी भारत को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस डील से जो एक्सपोजर और वैलिडेशन मिलेगा उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। इस डील से जो दरवाजे खुल सकते हैं और जो साख भारतीय डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में बना सकता है वह किसी भी तात्कालिक आर्थिक लाभ से कहीं ज्यादा है। यह एक बड़े नजरिए की बात है, ब्रांड वैल्यू की बात है और उस भरोसे की बात है जिसे भारत वैश्विक डिफेंस समुदाय में बना सकता है। दोस्तों, मेरी नजर में अगर भारत इस डील को हासिल कर लेता है तो यह आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी छलांग होगी। यह केवल एक हथियार बेचने का मामला नहीं है, यह भारत की ओर से ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा स्टेटमेंट होगा कि वह हाईटेक आर्म्स रेस में एक गंभीर दावेदार है। और दोस्तों, इसलिए मैं यहां आपको अपडेट देने के लिए हूं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जैसे जैसे नए डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको हर अपडेट यहां लाता रहूंगा। हम इस समय उस द्वार से गुजर रहे हैं जहां भारत का डिफेंस सेक्टर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कुछ साल पहले तक भारत को एक थर्ड वर्ल्ड देश के तौर पर देखा जाता था जो शायद पूरी तरह से अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और भारत पूरी दुनिया के रक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ देश की रक्षा तक सीमित नहीं रही है बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह बना रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण फ्रांस की रुचि में देखा जा सकता है। फ्रांस जो खुद एक डिफेंस पावर हाउस है अब भारतीय वेपन सिस्टम्स को लेकर गंभीर हो गया है। यह किसी भी छोटे मोटे सौदे की बात नहीं है बल्कि यह एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। अगर यह सौदा सफल होता है तो इससे भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। अब सोचिए इसका क्या असर होगा हमारे डिफेंस सेक्टर पर। यह न केवल हमारे तकनीकी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूती से स्थापित भी करेगा।